गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। आप पेज नंबर 18 का अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। पहला क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है कि कैप्टन के द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करिए या उसने क्या क्या स्टेप्स उठाए उसके बारे में बताइए। तो पहला उसमें हमको क्वेश्चन पूछा है, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, उसने ख़राब मौसम में जहाज की रक्षा कैसे की। तो हमने इसका आंसर लिखा है, इसके आंसर को आप पेज नंबर 14 के सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि उन्होंने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए और जब मौसम बहुत ख़राब हो गया तो उसने कैप्टन डिसाइड किया कि वो स्पीड को स्लो कर दे और उसने स्ट्रॉन्ग जिप को गिरा दिया और जहाज़ के पिछले हिस्से को मोटे रस्सी से बांध दिया और सभी चीज़ों को डबल लेस्ट कर दिया, मतलब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डबल बांध दिया। तो चलिए आंसर को देखेंगे, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, जैसे ही ख़राब मौसम स्टार्ट हुआ प्रारंभ हुआ शिप को सुरक्षित रखने के लिए, द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने निर्णय लिया टू स्लो इट्स स्पीड कि इसकी गति को कम कर दी जाए, सो ही ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिप और इसलिए उन्होंने उस तिरपाल को गिरा दिया, एंड टाइड द मॉर्निंग रोप अक्रॉस द स्टर्न और जहाज के पिछले हिस्से को रस्सी से उन्होंने बांध दिया, एवरीथिंग वॉज डबल लेस्ड और सभी चीज़ों को उन्होंने डबल करके सभी चीज़ को बांध दिया था। आप इसके आगे यदि पैराग्राफ में देख रहे हैं तो आप उसके आगे देख सकते हैं कि उसने बहुत सारी चीज़ों को डबल लेस्ड कर दिया था, है ना, जैसे लाइफ राफ्ट, लाइफ लाइन्स या ऑयल स्कीन्स, लाइफ जैकेट्स, ये सभी चीज़ को यदि आप लिखना चाहें आंसर में तो इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये जो आंसर है वो इतना सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, उन्होंने कैप्टन ने जहाज़ में बढ़ते हुए पानी को रोकने के लिए क्या किया। इसका आंसर आपको पेज नंबर 15 के सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जहाज को पानी भर जाने से रोकने के लिए लैरी एंड हर पंप्ड आउट वाटर फ्रॉम इट। लैरी और हर जो थे उन्होंने पानी को पंप के द्वारा निकाला, द कैप्टन मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, कैप्टन ने जो कैनवास थे जो कपड़े थे उसको फैला दिया, एंड फिक्स्ड वाटर प्रूफ कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो छिद्र थे जो होल बन गए थे उसमें वाटर प्रूफ कवर्स को लगाकर उसे फिक्स कर दिया जिससे पानी क्या नहीं हो रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, जहाज़ में पानी भरने से उन्होंने रोका। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोएजर्स ऑन 4 और 5 जनवरी, 4 और 5 जनवरी को जो समुद्री यात्री थे उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन करिए। इसका आंसर आप पेज नंबर 16 के सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में देख सकते हैं, ऑन जनवरी 4 द वोएजर्स गॉट सम रिलीफ, 4 जनवरी को जो समुद्री यात्री थे उनको कुछ राहत महसूस हुई, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद दे कुड मच ऑफ द वाटर आउट, उन्होंने अधिक से अधिक पानी को बाहर निकाला, दे हॉइस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिब, उन्होंने तिरपाल को लहरा दिया, मैरी फ्रॉम सम बीफ एंड बिस्किट्स, और मैरी ने कुछ मांस के टुकड़े और कुछ बिस्किट को पाया, दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, उन्होंने अपना जो भोजन है लगभग 2 दिनों के बाद पहला भोजन किया,
एट 4 PM द विंड वॉज बैक टू 40 knots और शाम के 4 बजे जो हवा थी वो 40 की गति से चल रही थी एंड द वेव्स वर राइजिंग हायर और लहरें जो थी वो काफ़ी ऊंचाई तक उठ रही थी। ऑन जनवरी 5 जनवरी को द सिचुएशन वॉज अगेन होपलेस, जो स्थिति थी वो काफ़ी निराशाजनक थी। द कैप्टन यूज़ टू इम्प्रूव हिज सी एंकर और कैप्टन ने एक काम चलाओ लंगर का प्रयोग किया। इट वॉज मेट टू हैवी नायलोन रोप, जो कि हैवी नायलोन की रस्सियों से बना था एंड 22 barrels ऑफ पैराफिन और उसमें 22 liters जो मोम था उसको उन्होंने प्रयोग किया। दोज वर क्रिटिकल मोमेंट और ये जो स्थिति थी काफ़ी नाजुक थी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 sections ऑफ द टेक्स्ट। किताब में 3 भाग में आए हुए घटनाओं का वर्णन करिए एंड गिव अस सबटाइटल टू ईच सेक्शन और हर भाग का उपशीर्षक दीजिए। आंसर देखेंगे, पहला जो सेक्शन है उसको हमने उसका उपटाइटल हमने दिया है प्रिपरेशन फॉर द वे, समुद्री यात्रा की तैयारी। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब द प्रिपरेशन फॉर द ग्रेट वे, जो पहला जो भाग है उसमें समुद्री यात्रा की तैयारी का वर्णन किया गया है। Which was duplicated by Captain Cook 200 years ago, जिसमें 2 साल पहले कैप्टन कुक की यात्रा की नकल की गई थी, है ना। चैप्टर में पढ़े थे कैप्टन कुक कौन है करके, तो कैप्टन कुक जो है वो एक समुद्री यात्रा करने वाले एक व्यक्ति थे और उन्हीं की नकल करके जो नरेटर है और उनकी फैमिली ने उसका अनुसरण किया था। द कैप्टन एंड हिज फैमिली सेट टू सेल इन जुलाई 1976 फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, और कैप्टन और उसकी जो फैमिली है वो 1976 में जुलाई के मंथ में प्लाईमाउथ इंग्लैंड के लिए वो क्या हुए थे, रवाना हुए थे। सेकंड जो भाग है उसका हमने सबटाइटल डाला है फेसिंग द वेव्स विद कॉन्फिडेंस, उन्होंने काफ़ी आत्मबल से लहरों का सामना किया। सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन से निकलने के दूसरे दिन दे बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैस, उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों से जो लहरें उठ रही थी उसका उन्होंने सामना किया। द फिरोसियस वेव्स कैप्सिसाइज द शिप एंड इंजर द नरेटर्स फैमिली, जो भयानक जो लहरें थी वो जहाज को नुकसान पहुंचा रही थी एंड इंजर्ड द नरेटर्स फैमिली, और उस लहरों ने नरेटर की जो फैमिली थी उसको भी चोट पहुंचाई। बट वोएजर्स फाउंड स्प्रीट एंड डिफीटेड डेथ, किंतु जो समुद्री दल था या समुद्री जो यात्री थे उन्होंने काफ़ी जोश से उसका सामना किया और जो मृत्यु थी उसको पराजित की। तीसरा जो भाग है उसका सबटाइटल हमने दिया चेयरफुल लैंडिंग, उन्होंने काफ़ी खुशीपूर्वक लैंडिंग किया, मतलब आइलैंड में उतरे। तो यहाँ पर लिखा है एवरीबॉडी ऑन बोर्ड फाउंड द एडवर्स वेदर कंडीशन, सभी ने उस विपरीत मौसम से लड़ा। फाइनली दे रिज्ड आई एमस्टरडम एन आइलैंड, और अंततः वे सभी आई एमस्टरडम जो आइलैंड था उसमें वो पहुँच गए। अगला आप उसी पेज में टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अपने बड़े और जो बच्चे थे उनकी प्रतिक्रिया में क्या भिन्नता देखी जब उन्होंने खतरों का सामना किया। आंसर जैसे हमने लिखा है द एडल्ट्स स्टार्ट प्रिपरेशन इन एडवांस टू फेस डेंजरस, जो बड़े लोग होते हैं या जो वयस्क होते हैं वो खतरों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं, जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा। और लाइक द कैप्टन की तरह
ही टुक क्रू मैन टू हेल्प देम। उन्होंने खतरों का सामना होने के अंदाज़ा लगाकर ही उन्होंने दो क्रू मैन को अपने साथ मदद के लिए रखा। व्हेन दे कॉट इन द हाई वेव, जब वो ऊंची ऊंची लहरों के बीच फंस गए, दे स्लो डाउन वेव वॉकर टू प्रोटेक्ट इट। उन्होंने अपने वेव वॉकर की गति को कम की और उसे क्या प्रदान की, सुरक्षा प्रदान की। अब हम बच्चों के लिए देखते हैं, द चिल्ड्रन डिडंट बिकम वरी। यहाँ पर इस चैप्टर में जो बच्चे थे वो किसी प्रकार की उन्होंने चिंता नहीं की, लाइक सुजाने, उदाहरण के तौर पर क्या, सुजान की तरह। शी हैड ए बिग बम्प अबव हर आइज, उसकी आँखों के ऊपर एक बड़ा सा काफ़ी सूजन था। एंड डीप कट ऑन हर आर, और उसके हाथ में एक चोट सी लग गई थी। बट टिल द एंड, किंतु अंत तक, शी डिडंट लाइक टू वरी हर पेरेंट, किंतु अंत तक उसने अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं किया। अपनी चोट को बताकर उन्होंने किसी प्रकार से अपने पीड़ा को नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज हेल्प्स टू एंड्यूर डायरेस्ट स्ट्रेस। यह कहानी किस तरह हमें ये बताती है कि भयानक तनाव में आशावादी जो चीज़ें होती वो हमारी मदद करती हैं। आंसर देखेंगे, द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस लाइफ। यह कहानी हमें यह बताती है कि भयानक तनाव में आशावादी होना हमारी मदद करता है। हम इसको दो उदाहरण के द्वारा समझते हैं, इसे हम दो पॉइंट के द्वारा समझते हैं। द कैप्टन वॉज होपफुल, इसमें जो कैप्टन थे वो काफ़ी होपफुल थे, उम्मीद आशावादी थे। व्हेन इनॉर्मस सी रोल टूवर्ड्स देम, जब खतरनाक जो समुद्र था उसके चारों ओर उठ रहा था। ही स्लोटेड, उन्होंने जहाज को कम किया। एंड ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, और तिरपाल को क्या कर दिया, लहरा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, द लिटिल सुजाने वॉज ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक, जो छोटी सी जो सुजैन थी वो भी आशावादी थी। शी डिडंट टेल अबाउट द डीप कट इन हर आर्म टू हर पेरेंट्स, और उसने अपने जो गहराई से जो उसके हाथ में कट गया था उसे उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। इवन देन दे ऑल वर सेफ, जब तक वो सभी क्या नहीं हो गए, सुरक्षित नहीं हो गए। तो हम ये दोनों उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भयानक तनाव में यदि हम आशावादी हैं तो हम किसी भी कठिनाई का आसानी से सामना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। इस प्रकार के भयंकर अनुभव से हमें क्या शिक्षा मिलती है जब मृत्यु हमारे सामने होती है। आंसर देखेंगे, व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ, जब हमारा सामना मृत्यु से होता है, वी शुड कीप करेज, हमें साहस रखना चाहिए। पेशेंस एंड होप, धैर्य और उम्मीद रखनी चाहिए। इफ आवर डिटर्मिनेशन विल बी स्ट्रांग, यदि हमारा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय यदि स्ट्रांग होगा, वी कैन विन एनी बैटल ऑफ लाइफ, तो हम जीवन के किसी भी युद्ध से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, या कि जीवन का कोई भी युद्ध हम जीत सकते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन फोर के आंसर को आप नहीं लिखेंगे। अगला जो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन आंसर को भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे वर्किंग विथ वर्ड्स का पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट एज शेप टर्मिनोलॉजी आर आल्सो कॉमनली यूज्ड इन अदर सेंस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस टेक्स्ट में लिखे हुए कुछ जहाज से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं जो कि दूसरे सेंस में, दूसरे अर्थ में भी उपयोग किए जाते हैं। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वुड यू यूज़ द अदर मीनिंग, क्या आप बता सकते हैं कि इसका दूसरा अर्थ क्या होता है। पहला है नॉट, नॉट का दो हिंदी मीनिंग आप लिखेंगे, एक गांठ, जब हम किसी चीज़ को बांधते हैं तो गांठ बन जाता है,
और दूसरा उसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे टोली। अब इन दोनों के आपके दो इंग्लिश के सेंटेंस आपको बनाने हैं। दूसरा होता है स्टर्न। स्टर्न मीन्स होता कठोर और दूसरा उसका हिंदी मीनिंग कर्कश। थर्ड का आप लिखेंगे बूम, अचानक किसी चीज़ में तेज़ी आ जाना, और दूसरा उसका हिंदी मीनिंग होता है जोर की आवाज़। चौथा जो वर्ड है हैच, हैच जो है उसका पहला हिंदी मीनिंग होगा अंडे सेकने के लिए, और दूसरा हिंदी मीनिंग होगा जाल संरचना। अगला एंकर, एंकर जो है उसका पहला हिंदी मीनिंग होगा प्रसारणकर्ता, है ना, किसी चीज़ को एंकरिंग करना जिसको हम बोलते हैं वो है, उसका हिंदी मीनिंग प्रसारणकर्ता। और दूसरा है मजबूती, मजबूती से बांधने के लिए भी हम एंकर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं वो एक जहाज के लिए तो प्रयोग, जहाज में तो प्रयोग किए जाते हैं, किंतु इनके अलग अलग भी मीनिंग होते हैं, और इसी से संबंधित हमको दो इंग्लिश के क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग थ्री कंपाउंड्स वर्ड्स एंड इन शेप व्हाट डज ईच ऑफ देम मीन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर तीन कंपाउंड वर्ड्स दिए जा रहे हैं और इसका अपना एक अर्थ है, तो हमको इसके बारे में डेफिनेशन लिखना है। पहला दिया है एयरशिप। एयरशिप मीन्स होता हवाई पोत। इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, इट इज़ ए काइंड ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट हैविंग नो विंग्स। यह एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट होता है और इसमें किसी प्रकार के पंख नहीं होते, जैसे हम एरोप्लेन देखते हैं उसी प्रकार से होता है ये, और इसमें किसी प्रकार के विंग्स नहीं होते। इट इज़ फिल्ड विद गैस, इसमें गैस भरी होती है, विच इज़ लाइटर देन एयर, जो कि हवा से हल्की होती है। इट इज़ ड्रिवन बाय इंजन, और इसे इंजन के द्वारा चलाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपको वन वर्ड के रूप में भी पूछा जा सकता है या डेफिनेशन के रूप में भी इसको दिया जा सकता है। अगला है फ्लैगशिप। इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, नेवी और फ्लैगशिप इज़ अ मेन शिप इन फ्लीट ऑफ शिप्स। नेवी में जो फ्लैगशिप होता है वो मुख्य शिप होता है, मुख्य जहाज होता है, और ये कई जहाज़ों के ग्रुप में होता है, कई जहाज़ों का ग्रुप होता है जिसमें एक जो शिप होता है वो मेन शिप होता है। अगला है लाइट शिप। इसका डेफिनेशन लिखें, इट इज़ ए स्मॉल शिप, एक छोटा शिप होता है, दैट स्टैंड इन ए फिक्स प्लेस, जो कि एक ही स्थान पर स्थिर होता है, एट सी समुद्र के बीच, समुद्र में। इट हैज़ पावरफुल लाइट टू वार्न अ गाइड अदर शिप, और ये इसमें एक काफ़ी पावरफुल लाइट लगा होता है जो चेतावनी और मार्गदर्शन देने के लिए होता है, जब दूसरे जहाज जब वहाँ पर आते हैं या उस ओर से गुजरते हैं तो उनको चेतावनी और मार्गदर्शन देने के लिए लगाया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइट शिप।